पेटीएम के शेयरों में तीसरे दिन भी मारकाट जारी है। बीते हफ्ते गुरुवार और शुक्रवार को लगे 20% के लोअर सर्किट में इन्वेस्टर्स के करीब 18,000 करोड़ रुपए डुबाने के बाद सोमवार को जब बाजार खुला तो एक बार फिर से पेटीएम के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया। एक्सचेंजों ने इसकी सर्किट लिमिट को घटाकर 10% कर दिया था और सोमवार को पेटीएम का शेयर 10% गिरकर 438.35 रुपए पर आ गया और महज 3 दिन में ही इन्वेस्टर्स का लॉस बढ़कर 20,500 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। शेयर इन 3 दिनों में ही 42.4% गिर चुका है। इन्वेस्टर्स पेटीएम के शेयरों में आई सुनामी के बाद से अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर विजय शेखर शर्मा की कंपनी के साथ हुआ क्या। तो इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पेटीएम पर आई आफत की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। 31 जनवरी की शाम को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए जो ऑर्डर जारी किया उसने इस पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ी क्राइसिस खड़ी कर दी है। कारोबार शुरू करने के बाद से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिजर्व बैंक का ये 5वां एक्शन था और इस पूरी कहानी से भी पता चल रहा है कि कैसे आरबीआई की बार बार सख्ती और एक्शन लेने के बावजूद विजय शेखर शर्मा की कंपनी चीजों को दुरुस्त करने में नाकामयाब हो गई और आखिरकार मौजूदा क्राइसिस का शिकार हुई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को डिपॉजिट्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, वॉलेट टॉपअप, बिल पेमेंट्स जैसे सभी कामों से रोक दिया गया। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक इनमें से कोई भी सर्विसेज नहीं दे पाएगा। इतना ही नहीं, आरबीआई की रिलीज में कहीं भी ये संकेत तक नहीं दिया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने सिस्टम में मौजूद खामियों को दुरुस्त करने के लिए कोई वक्त दिया जाने वाला है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ ये क्राइसिस शुरू कब से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 6 साल पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक की नींव पड़ने के 1 साल के भीतर ही इन समस्याओं की शुरुआत हो गई थी। ये ऐसे गंभीर उल्लंघन हैं जो बैंक के कस्टमर्स को न सिर्फ डेटा ब्रीच बल्कि फ्रॉड्स के खतरे में भी धकेल रहे थे। रिपोर्ट से पता चल रहा है कि प्रमोटरों की तरफ से ट्रांसपेरेंसी की कमी भी आरबीआई के एक्शन की एक बड़ी वजह बनी। माना जा रहा है कि कई मौकों पर कंपनी के प्रमोटरों ने झूठी कंप्लायंस रिपोर्ट्स भी सबमिट की। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जनवरी 2017 को बैंकिंग लाइसेंस मिला था। इसके 1 साल के अंदर पीपीबीएल पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लाइसेंसिंग कंडीशंस के उल्लंघन के लिए आरबीआई के एक्शंस का सामना करना पड़ा था। इसमें डे एंड बैलेंसेस और नो योर कस्टमर्स यानी KYC जैसी गाइडलाइंस पर नॉन कंप्लायंस शामिल थे। इसके चलते आरबीआई ने जून 2018 में पीपीबीएल को नए अकाउंट्स खोलने से रोक दिया। हालांकि पीपीबीएल की जमा की गई कंप्लायंस रिपोर्ट और अंडर टेकिंग के आधार पर इस रोक को दिसंबर 2018 को हटा लिया गया। पेटीएम ने हालांकि 2018 के एक्शन से कोई सबक नहीं लिया। अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने पीपीबीएल पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। आरबीआई को पता चला था कि पीपीबीएल ने उसे झूठी जानकारियां मुहैया कराई थी। पीपीबीएल को आरबीआई की ओर से तीसरा झटका 2021 में लगा। तब पीपीबीएल में टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस के मोर्चे पर गंभीर खामियां पाई गई थी। आरबीआई की जांच में पता चला था कि पीपीबीएल और 197 ग्रुप की दूसरी कंपनियों के न तो सर्वर अलग अलग हैं, न ही इनके फिजिकल स्पेस अलग है। इसके चलते आरबीआई ने मार्च 2022 में पीपीबीएल पर सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। आरबीआई ने बैंक को नए कस्टमर्स लेने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया और एक सघन सिस्टम ऑडिट के लिए एक एक्सटर्नल ऑडिटर भी अपॉइंट कर दिया। पीपीबीएल पर आरबीआई का 4था हमला इसी ऑडिट रिपोर्ट की वजह से आया। 2022 के आखिर में आई इस रिपोर्ट में आरबीआई को पता चला कि बैंक ने चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाए हैं। इसके बाद अक्टूबर 2023 में रिजर्व बैंक ने KYC नॉर्म्स पूरे नहीं करने के चलते बैंक पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया। आरबीआई ने अपने एक्शन पर कहा था कि बैंक बेनिफिशियल ओनर्स की जानकारी न देने,
पेआउट ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग में नाकामी, रेगुलेटरी सीलिंग तोड़ने और साइबर सिक्योरिटी के मसलों को रिपोर्ट करने में देरी और वीडियो आधारित कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यानी VCIP में खामियों समेत कई मोर्चे पर फेल साबित हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI को ऐसे हजारों मामलों का पता चला जहां एक ही पैन का इस्तेमाल 100 से ज्यादा कस्टमर्स कर रहे थे। यहां तक कि कई मामलों में इन कस्टमर्स की तादाद 1000 से भी ज्यादा थी। कुछ खातों में ट्रांजैक्शंस की वैल्यू करोड़ों रुपए तक थी जो कि रिजर्व बैंक की तय की गई लिमिट से बहुत ज्यादा थी। रिजर्व बैंक को बड़ी तादाद में ऐसे खाते भी मिले जिन पर फर्जी खातों के तौर पर इस्तेमाल होने का शक था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम के मेंटेन किए जाने वाले 35 करोड़ खातों में से 31 करोड़ खाते इन ऑपरेटिव थे। इससे रिजर्व बैंक को इन खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी का शक हुआ। हालांकि पेटीएम ने रिजर्व बैंक के हालिया डायरेक्टिव को स्वीकार किया था। पेटीएम ने यह भी कहा कि वो RBI के डायरेक्टिव्स को गंभीरता से लेती है और कंपनी इसमें जाहिर की गई चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आई ये क्राइसिस को कंपनी कैसे दूर करती है, इसे लेकर सवाल बड़े हैं और आने वाले वक्त में PPBL के एक्शंस पर इन्वेस्टर्स की भी नजर होंगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।